तो सिक्वल सर्वर पे हम बात कर रहे हैं क्यूरी, और क्यूरी में हम बात करेंगे कंडीशन जो कि एंड और, साथ में बात करेंगे कैलकुलेटिंग फील्ड के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने यहां दिख रहा है डेटा, तो यहां हम न्यू क्यूरी पे आते हैं और यहां हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए मैंने डाल दिया डेटा और रन करते हैं, एग्जीक्यूट हुआ, डेटा आ गया, राइट, आया डेटा। अब इसमें मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए एक साल, एक पर्टिकुलर ईयर का, तो मैंने बताया था इसके लिए लगाते हैं वेयर कर, वेयर ईयर इक्वल, वेयर ईयर इक्वल टू दो टोटल वेयर ईयर टू, हमने लिख दिया मान लीजिए 2020 का चाहिए, ठीक है, रन कीजिए, सिर्फ 2020 का आया। अब मुझे दो साल का डेटा चाहिए, क्या चाहिए, दो साल का, दो साल। तो इसके दो तरीके, या तो मैं यहां पे और लगा दूं और लिखूं कि ईयर इक्वल टू 2021 ये आ गए, राइट, क्लियर है, या मान लीजिए ईयर का मुझे हमारे 2020 से लेकर 2023 का डेटा चाहिए, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2020 और यहां देंगे एंड इज लेस देन इक्वल टू 2023, ठीक है, ये आगे आपको 2020 से 2023 का डेटा। तो अगर आपको ईयर इंडिविजुअली लेना है तो मैंने और बता दिया, अगर आपको ईयर इंडिविजुअली नहीं लेना है तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और ये अगर सर मंथ चाहिए मुझे पर्टिकुलर, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अब मान लीजिए कि मुझे मंथ भी चाहिए, कि मुझे यहाँ पे जैन फेब मार्च भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा ब्रैकेट में एक कंडीशन, अब बोले ब्रैकेट में किसको लेना है, तो ये हमारा सेपरेट कंडीशन हो गया ना ईयर का, इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब यहां पे लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे एंड, और फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे कि मंथ इज इक्वल टू जैन, सिंगल कॉमा होगा जैन, फिर कॉमा अगेन मंथ इक्वल टू फैब, कॉमा अगेन मंथ इक्वल टू मार्च, और इसको ब्रैकेट क्लोज। अगर सर मुझे मुझे पूरे चाहिए इसमें कुछ कंडीशन डाल सकते हैं, जैन टू दिसंबर चाहिए तो फिर आपको मंथ डालने की जरूरत क्या है, तो ऑटोमेटिक जैन टू दिसंबर ही आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे टू दिसंबर नहीं, अक्टूबर चाहिए, तो पूरा लिखना जी हाँ, तब तो आपको पूरा इसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसमें ये मुझे समझ गया, अभी इसमें मुझे ये चाहिए कि कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल, हाँ मैं वो भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको एक बार रन करते हैं और लगा के आगे, अब आपको कैलकुलेशन करना है तो मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन के लिए ऊपर ही करना होता है, जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट, अब मुझे अमाउंट, हाँ ऊपर करना है, नहीं फील्ड में जो भी चाहिए ऊपर चाहिए, आप वीडियो को सही से देखते हैं तो दिक्कत नहीं होता, आपने वीडियो शायद देखा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं देखा था मैंने, तो फिर दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे बोला कि फाइव अमाउंट का 5% एज ए, हमने बोला जीएसटी, ठीक है, वो पता है वो टेबल का नाम आ जाएगा, नहीं कॉलम का नाम, हेडर का नाम आ जाएगा जी हाँ, तो आपको ऊपर लगाना, देखिए ध्यान रखिए, सुनिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए कि कॉलम कोई भी डेटा क्या क्या कॉलम लेना है ये ऊपर डिसाइड होगा, कहाँ से लेना है वो यहाँ डिसाइड होगा, क्या कंडीशन लगेगा वो यहाँ डिसाइड होगा, सीक्वेंस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, सिलेक्ट विथ योर कॉलम्स, जो कॉलम चाहे वो कैलकुलेट करना हो या आपके डेटा का टेबल हो, राइट, सेकेंड क्या आएगा,
सेकेंड आएगा आपको किस टेबल से लेना है, थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा कंडीशन की, किस कंडीशन पे लेना है आपको, ओके ठीक है। सर, इसी में लॉजिकल यूज करना है तो नीचे यूज करना है लॉजिकल। क्या लॉजिकल, समझा नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 5000 अगर अमाउंट में जो हाँ, जो भी वो वेयर में आएगा, जो भी होगा वो वेयर कंडीशन में आएगा। जरूरी नहीं एक लाइन ये ब्रेक करके लाइन कैसे ब्रेक, हाँ लाइन ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी कि दूसरा कीवर्ड नहीं डाला तब से, ये सिक्वेंसली है। अगर इसी में मुझे लगा है कि ग्रेटर देन, ये जो ईयर तो उतना ही रहेगा, मंथ भी उतना रहेगा, उसमें ग्रेटर देन मुझे चाहिए, ग्रेटर देन क्या 3000। हाँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या 3000 करना चाहते हैं? ग्रेटर देन उसमें अमाउंट पे 3000 चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एंड लगाइए, एंड, और फिर यहाँ पे ओके डाल दीजिए कि अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। ओके ऐसे आप यहाँ पे समझ एंड एंड या और लगाते चले जाइए। और लगा तो होगा सर, और से नहीं, और से फिर दिक्कत होगा ना, फिर आपका ये इसको पिक नहीं करेगा इस तीनों को। हो तो एंड ही रहे, तो एंड ही हाँ, बैठ जैसे कि गया। आपने बोला कि भाई 2020 से 2023 होना चाहिए, साथ में जैन फैब मार्च होना चाहिए, और साथ में अमाउंट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और लगा दें तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, तो 2020 से 2023 जैन फैब मार्च होना चाहिए, या फिर अमाउंट 3000 से ऊपर होना चाहिए। तो अमाउंट यहाँ पे अगर और या लगा देंगे तो फिर ये कंडीशन को कोई मायने नहीं रखेगा, वो 3000 से ऊपर वाला उठा लेगा, साथ हाँ, में तो इसको मतलब भी वो उठाएगा, ये साथ में इसको भी उठाएगा और इसको भी उठा लेगा। अभी सब लेगा ना सर ये कंडीशन जी, अभी होगा कि अभी मैं अभी रन कीजिए ना, यहाँ पे यहाँ एक मिनट, सॉरी मैं सिलेक्ट करके रन कर दिया, बाकी जाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि ईयर 2020 से 2023 है, मंथ जैन फेब में। मार्च ही है, और अमाउंट 3000 से ऊपर, ठीक और है। सर अगर यहाँ पे आप, यहाँ पे आप अमाउंट को इंटू किया, और अगर वहां पे एक चीज है कि वहां पे मतलब एमआरपी को डिवाइडेड बाय 5 हो, अब यहाँ जो एमआरपी भी डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन करना है या ऊपर करना है, ओके, और जो लॉजिकल करना है वो नीचे करना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर यही चीज मैंने पावर बीआई में लेके गया, यहाँ पे मैंने तो मैंने आया नहीं पावर बीआई अगर में। पहले इसको रन करके देख लिया, यहां पे अगर सही तरीके से आ रहा है, देन आप इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें और जाए पावर बीआई। ओके यही चीज आप कॉपी करके डाल सकते हो वहां जी हाँ, लेकिन डालने का तरीका है, पे। यहाँ पे क्लिक कीजिए, और सबसे पहले तो यहाँ पे सर्वर का नेम, तो सर्वर का नेम मैं एक काम करता हूँ, उठाता हूँ यहाँ से, ये है ना सर्वर नेम, तो मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे आ जाए, तो कॉपी किया पावर बी आई सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, हाँ डेटाबेस नेम क्या है हमारा, नहीं डेटा टेबल है हमारा, जैसे टेबल उन्होंने डेटाबेस, डेटाबेस आईपीटी है, आईपीटी। और यहाँ डायरेक्ट क्यूरी पे क्लिक कर, यहाँ नहीं इम्पोर्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे इम्पोर्ट ही रहेगा, एक क्यूरी नहीं, यहाँ पे क्यूरी डालेंगे आपका, ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिए, देन क्यूरी डालेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सर्वर नेम डाला, देन डेटाबेस, डेटाबेस नेम यहाँ, जो डेटा आपका टेबल यहाँ, दिस द टेबल, ओके। यहाँ देखिए टेबल में इस तरह का टेबल का फॉर्मेट रहेगा, और डेटाबेस में इस तरह से क्यूब का फॉर्मेट होगा, तो इसका आप बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, डब्बे का, गोल डब्बा होता है ना उसका, ठीक है। और यहाँ सर पे मतलब गोल डब्बे को बोलते हैं डेट्स में जी बोलते हाँ जी, डेटाबेस, हैं, और जो डेटा लिखा है अंदर जो क्रिएट होता है टेबल में उसको बोलते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अभी ओके कीजिए, आप आ गया, ठीक ओके ठीक है सर, समझ है। गया अब इसमें सर। बोलिए, एक बार बोलिए सर, क्या बोलिए, नहीं एक बार आप मेरे को खाली मैथमेटिकल यही बताया कि जो आप जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हैंडल का, अगर अमाउंट को ये तो इसमें लिखना रहता है आगे बराबर से। जी बिल्कुल।
और अगर हम लोग को अगर ये चाहिए क्या बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर ईयर चाहिए तो वो एंड में लिखना है, बराबर जी सर? ओके ओके। और सर एक मुझे खाली पूछना था कि एंड और लिखना है तो मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, दोनों को देगा, बराबर? जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो देखिए इसको अगर एंड और में कंफ्यूजन है तो फिर आपको एक्सेल का एंड रो फॉर्मूला पढ़ना होगा सही से, तब आपको क्लियर होगा। एंड का मतलब होता है कि मुझे दोनों चाहिए, और का मतलब होता है कोई एक चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे 2020 से 2023 का चाहिए, तो यहाँ एंड लगाया मैंने। और यहाँ पे एंड मैंने बोला कि मुझे जन 5 मार्च चाहिए, तो ए जो एंड ए जो है पूरा ए इसमें से मुझे कोई एक चाहिए, लेकिन ये दोनों चाहिए, समझे? इसलिए यहाँ पे और लगा है। पर यहाँ पे तीनों आ गया ना सर, पर तीनों आया एंड लेकिन प्लस मार्क। नहीं समझे, ये क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड को मैच करेगा, ऐसा थोड़ी मैच करेगा, पहले इसको चेक करेगा, एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा कि क्या इसका ईयर 2020 से 2023 में है, ठीक है, क्या है जैन है, नहीं, क्या है फाइव है, हाँ तो इसको ठीक है इसको ले लो। फिर दूसरे को चेक करेगा, दूसरे का चेक करेगा, पूछेगा कि क्या 2020 से 2023 है, हाँ है, क्या है जैन है, नहीं, क्या है फाइव है, नहीं, क्या है मार्च है, हाँ मार्च है, क्या इसकी अमाउंट 3 हज़ार से ऊपर है, हाँ ले लो इसको, समझे? मतलब वो क्या कर रहा है, ईयर का तो सारा ले रहा है, पर ईयर में जो आप जैन फेब मार्च को उसको हाईलाइट कर रहा है, जी बराबर? हाँ जी हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ठीक चेक है सर। करेगा, यहाँ पे चेक करेगा 2020 से 2023 के बीच, 2020 से बड़ा है, नहीं 2020 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या करेगा 2023 को सिलेक्ट चेक ही नहीं करेगा, सीधे बाहर निकाल। बट इसमें क्या होगा कि चेक करेगा 2010 जैन है, हाँ है, नहीं है, अच्छा चेक करो फैब है, नहीं है, फिर चेक करो मार्च है, ठीक है। तो एंड कंडीशन में क्या हुआ, तो एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो आगे का चेक ही नहीं करेगा। बट और में क्या होता है कि ठीक और में है। और मतलब एक चेक करेगा, एक चेक नहीं हुआ पर दूसरा चेक करेगा, नहीं तीसरा चेक करेगा, नहीं चौथा चेक करेगा, ऐसे चेक करता है, सारे कंडीशन को देखेगा, जब तक उसको मिल नहीं जाए तब। मतलब एंड मतलब ये नहीं रहेगा तो ये जी नहीं रहेगा तो ये, जी बराबर बिल्कुल है सर? बिल्कुल। ओके नहीं मान एंड लो नहीं, एंड कि ए और ए होना चाहिए, और अगर ए नहीं है तो ए नहीं है तो ए, उल्टा बोल दिया समझ आपने, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? और आपको दिक्कत हो ना तो ऐसे एक बार एक साथ मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, ठीक है, वन बाय वन। जैसे मैंने अभी देखा, मैंने एक बार लगाया, नहीं लगाया, मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया। एक्सेल में समझ जाता है सर, पर यहाँ पे कहते क्वेरी में ना थोड़ा ये एक्सेल में ये लेटर इन मारता हूँ मैं, तो हाँ वर्क सीट समझ जाता है यहाँ थोड़ा, यहाँ पे और लगा देते हैं, बिल्कुल। पहले एक कंडीशन लगा के चेक कीजिए रिजल्ट, फिर दूसरा कंडीशन लगा के चेक कीजिए, फिर तीसरा कंडीशन चेक कीजिए, एक साथ लगाइए। सर ये मुझे भेज देना व्हाट्सएप, जी बिल्कुल ये वाला ये कॉपी करके भेज दो, तो जैसा कि मेरे को ना सपोर्टिंग होगा तो अलग अलग तरीके से नहीं दूंगा। ठीक है। और ये रहा, और मैंने आपको आर्टिकल दिया था, उसको पढ़ा था आपने सिक्योर आर्टिकल जो सर पेज का था। नहीं? एक काम करता हूँ, मैं एक लिंक आपको देता हूँ, ठीक है, उसमें आपका स्लैक के बारे में पूरा बताया गया है, इसको चल रहा, उस लिंक को मतलब अच्छे से ये पढ़े।